बन जाए। एकम के इर्द गिर्द चारों तरफ हर समय घूमती ही रहती थी तो गुस्सा तो आएगा ही ना, दिमाग तो खराब होगा। अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम पे सूट करता, मुझ पे नहीं। मैं तो अकेले जा रही थी, नेमत क्यों मेरे पीछे? मैं नेमत को ना कभी सपने में भी हर्ट करने का सोच नहीं सकती, मैं कभी उसे जानबूझ के तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। नास, क्या बकवास कर रही है तू? लगता है तेरे दिल से मेरा डर बिल्कुल निकल गया है ना? मुझे पता है हरलीन, तूने कुछ नहीं किया, तेरी कोई गलती नहीं। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत, चुप चुप चुप। क्या बोला है तूने हरलीन को? तू हरलीन को नेमत की इस हालत का जिम्मेदार ठहरा रही है? दिमाग ठीक है तेरा? वाह, आपकी अभी कोई बात सुनेगा ना तो यही समझेगा कि वो आपकी बेटी है और मैं आपकी दुश्मन। आप हमेशा मुझसे ऐसे क्यों बात करती हैं? जैसे आपका कोई मुझसे नाता ही नहीं है, मैं आपकी कुछ लगती ही नहीं। ऐसे ही लगता है कि आपकी सिर्फ एक बेटी है और वो है ये। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये सब ना तुझे लगता है। अगर मुझे ऐसा लग रहा होता तो तेरी जबान खींच लेती तुरंत। मैं तो सिर्फ तुझे एक माँ होने के नाते समझा रही हूँ कि कुछ भी मत बोला कर। माँ होने के नाते समझा रही है, ठीक है, समझ गई। पर अगर आज नेमत मर गई ना तो मैं भी देखूंगी कि सबसे पहले खुश कौन होता है। अरे मरी जाए तो अच्छा है, सारे स्यापे तो खत्म होंगे कम से कम। इन दोनों परिवारों के जन्मों जन्मों के पाप धो जाओ। मॉम जी प्लीज, अब बोल क्या रहे हो आप? ऐसे कोई अपने दुश्मन के बारे में भी नहीं बोलता जैसा आप अपनी भांजी के बारे में बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको ये सब कहते हुए। अगर नेमत ने आज ऊपर जाना चूज किया तो हरलीन की जेल भी पक्की, मतलब दो दो सेलिब्रेशन। मुझे तो डबल सेलिब्रेशन के आसार लग रहे हैं, और फिर सारी जमीन मेरी। नेमत, मैं अभी आया। ये हरलीन, हरलीन बेटा, आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आज नेमत को कुछ भी हो गया ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं खुद भी जिंदा नहीं रहूंगी। अरे हरलीन, तुम क्यों रो रो के पागल हुई जा रही है? नेमत अगर आज हॉस्पिटल में है तो उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तू मत टेंशन ले इतनी। तू देखना, तू पहले रोना बंद कर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। मैं ही जिम्मेदार हूँ, मुझसे मेरी वजह से हुई उसकी हालत, मेरी वजह से वो ऑपरेशन थिएटर में। अगर वो मेरे पीछे नहीं आती ना तो शायद मैं आज। क्या हरलीन, तू जान देने वाली थी अपनी? दिमाग में एक ख्याल भी कैसे आया, पागल हो गई है क्या? हरलीन, नेमत के साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, तेरी गलती नहीं है, ये सब मत कर। आपको हमेशा वो गलत क्यों लगती है? मैं बोल रही हूँ ना, मेरी गलती है,
मेरी वजह से वो इस हालत में। शुक्र है पुत्र कि तू ठीक है। एक बार हमें तो लगा था कि तू I'm sorry नानू। आप मेरी वजह से डर गए थे ना। हरलीन कहाँ है? मैं ठीक हूँ। तूने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? हली हाँ बच्चे बच्चे मामा ठीक है। हम बिल्कुल ठीक है। अरे डॉक्टर्स ने भी तो कह दिया था कि वो जल्दी घर आ जाएगी। क्यों रो रो के अपना हाल बेहाल किया हुआ है? चुप कर। हरलीन नेमत अरे ये क्या भीड़ लगा रखी है आप सबने? यहाँ सिर्फ एक या दो लोग रुकेंगे। चलिए बाकी सब बाहर जाइए। ध्यान रखना बच्चे। तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? तुझे हर जगह झांसी की रानी बनना है? एक्सक्यूज मी, ये इनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। दो दिन पहले भी आपने कुछ टेस्ट करवाए थे ना, वो रिपोर्ट भी इसी में है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। तुझे अपनी खुद की कोई परवाह नहीं है? अपनी जान की कोई कीमत नहीं है? अगर अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम हमारे बारे में। मैं ठीक हूँ एकम, तुझे मेरे बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं। तू जा। तू अभी तक गया नहीं? एकम ना तो मेरा था और ना कभी होगा। मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं है। तेरी वाइफ को तेरी जरूरत है, तू जा यहाँ से। डॉक्टर
डॉक्टर सरताज, अब वो रिपोर्ट। डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज कम। ओके। दोनों ठीक है ना डॉक्टर? यस, मार बच्चा दोनों ठीक है। थैंक गॉड। डॉक्टर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात आप किसी को बताइएगा मत कि मैं मत प्रेग्नेंट है। बट पेशेंट को तो बताना होगा ना। नहीं डॉक्टर, ऐसे नहीं बता सकते, और अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बात इतनी आसान नहीं है। पहले मुझे नियमत से बात करनी होगी और उसके बाद ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, पर उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से इतना ज्यादा ब्लड लॉस, ज्यादा हैवी मेडिसिन भी नहीं दे सकते। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। डोंट वरी डॉक्टर, आई विल टेक केयर ऑफ। हरलीन, हरलीन एक बार मेरी बात तो सुनो। हरलीन, मेरी बात। मम्मी, चलिए घर चलते। अरे लेकिन हरलीन, एक कम को आप चल रही है कि मैं अकेले चले जाऊं? मैं चल रही हूँ। नेमत, वो नेमत क्या इसी हॉस्पिटल में एडमिट है जी? नेमत संधू, एक्सीडेंट हुआ है जी कुड़ी दा। ये तो वही लग रही है, ढाबे वाली नीमू आंटी। तो सरताज, तू इन्हें अपने खेत क्यों नहीं दिखा लाता? ये नेमत को कैसे जानती है? सरताज वीरे को भी जानती है? अब कैसा लग रहा है मिस मंगेतर? अब ठीक हूं मैं, अब परेशान मत हो। हाय, परेशान कैसे ना हो, ध्यान कब रखती है तू अपना? जी कैसे हो आप? तू मेरी छोड़, अपनी बता, ये क्या हाल बना के रखा तूने? हाँ, ध्यान क्यों नहीं रखती तू अपना? आपने बताया ना इन्हें, फालतू में परेशान कर दिया। एक चपेट मारांगी, फड्डी आई, परेशान करके रख दिया वाली। चुप कर जा। मिस्टर सरताज, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप यहीं रहिएगा और इसका ध्यान रखिए, मैं भी आया। और मेरे वापस आने तक ये एप्पल खत्म हो जाना चाहिए। अगर सरताज मुझे नहीं बताता तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगना था। उन्हें पराया कर दिया ना मुझे समराले से निकलते ही, ऐसे जैसे सारे रिश्ते ही तोड़ लिए हूँ। बताया क्यों नहीं कि तुम मोगा में है? क्या बताती माची, मुझे तो खुद कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मोगा तो मोगा, आप देखो मैं किस फैमिली में वापस आई हूँ। माची, सरताज एकम के चाचा जी का बेटा है। ए सब तो की कह रही है पुत्र, और ये सब हुआ कैसे? क्या हुआ था तेरे साथ? तूने फिर किसी को बचाने के चक्कर में खुद को मुसीबत में डाला होना है, है ना? मैं कौन होती हूँ किसी को बचाने वाली? आप एकम की वाइफ को जानते हो ना, हरलीन, मेरी बहन। वो बहुत परेशान है। बस कर, मैं सब समझ गई। अब हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद को मुसीबत में डाल देती है तू। तुझे देख के पता क्या लगता है कि तेजो कहीं नहीं गई, यही है। पर एक बात की समझ नहीं आती कि रब को तुझसे इतना गिला क्यों है? क्यों इतने इम्तिहान लेता है तेरे?
पहले तू अपना प्यार कुर्बान कर गई दूसरों के। अपनी शादी छोड़ के उठ के चली गई, सबकी नफरत मोल ले ली तूने, और फिर वो सरताज जिसको तू जानती तक नहीं थी उसके लिए तूने इतना किया। मैं रुपया जोगिंदर से लड़के उसको बचा के लाई, पर फायदा क्या हुआ? क्या मिला तुझे? हॉस्पिटल का ये बेड। हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, सब किस्मत का खेल होता है। मैं कौन सा सरताज को जानती थी? सरताज अजनबी था मेरे लिए, पर कहते हैं ना कोई मदद कभी खाली नहीं जाती। तब मैंने उनकी मदद की और अब आप देखो वो मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं। आगे बढ़ी है कहां जिंदगी, आगे बढ़ी है कहां। कि रब को तुझसे इतना गिला क्यों है? अरे तू अपना प्यार कुर्बान कर गई दूसरों के। मैं कौन सा सरताज को जानती थी? सरताज अजनबी था मेरे लिए, और अब आप देखो वो मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं। हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद को मुसीबत में डाल देती है तू। तुझे देख के पता क्या लगता है कि तेजो कहीं नहीं गई, यही है। टूटे हैं पंख रह गई उडारियां, मतलब नेहमत सरताज वीरे को पहले से नहीं जानती थी। नेहमत ने सरताज वीरे के लिए मुझे नहीं छोड़ा। मैं रुपया जोगिंदर से लड़के उसको बचा के लाई। इसका मतलब नेहमत उसी ढाबे पर थी। क्या नेहमत यही है? वो मुझसे छुप रही थी। मैं कौन सा सरताज को जानती थी? सरताज अजनबी था मेरे लिए। ये सब क्या है? आखिर सच क्या है? ना तो पता लग गया कि नेहमत के मंडप छोड़ के जाने की वजह सरताज वीरे नहीं थे। इसका मतलब मेरे सवाल सही थे। ना प्यार कुर्बान कर गई दूसरों के लिए, अपनी शादी छोड़ के उठ के चली गई। मतलब वजह वीरे नहीं थे, कुछ और थी। वो वजह क्या थी? क्या थी वो वजह? क्या था उन बातों का मतलब? क्या था उन बातों में जो मैं नहीं समझ पा रहा? मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आता। ये सारे सवाल ठीक हैं जो मेरे दिल में उठ रहे हैं। कोई तो बात है जो मुझे नहीं पता है। क्या क्या सोच बैठा था कि नेहमत ने सरताज वीरे के लिए मुझे छोड़ दिया? नहीं, वो तो सरताज वीरे से अभी मिली है। कैसे बात करूं नेहमत से इस बारे में? पर उसको तो ये बात पहले से मालूम होगी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है। फिर ये प्रेगनेंसी, कैसे कुछ पूछूं उससे? पर उससे बात तो करनी ही पड़ेगी। मैं उसे ऐसे नानू के घर नहीं भेज सकता। क्या पता अभी वो किसी को कुछ बताना चाहेगी भी या नहीं। क्या पता वो पहले एकम से बात करना चाहे, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है ये बच्चा एकम का ही है। क्या यार, मेरे पास आने का कोई मौका नहीं छोड़ता ना तू। शादी से एक दिन पहले तक नेमत बहुत खुश थी मेरे साथ,
मैं भी वादा करती हूँ कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। तुझे शादी करनी है ना, पर मेरी एक बात याद रखना कि आज तू मुझसे शादी नहीं मेरी लाश से शादी करेगा। अपना प्यार कुर्बान कर गई दूसरों के लिए, अपनी शादी छोड़ के उठ के चली। रोजाना के साथ क्या हुआ कि उसे अपना प्यार कुर्बान करना पड़ा? किसी ने ब्लैकमेल किया था उसे, धमकी दी थी भाई गुरु, इसका मतलब कुछ तो हुआ। मुझे लगा था कि उसको छुपा रही, झूठ बोल दी, इसीलिए मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो सरताज वीरे से प्यार करते थे। इसलिए मुझे पूरी बात जाननी, सब कुछ जानना है कि आखिर ये सच क्या है। किसी भी हाल में मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। और ये सब बातें मुझे वो ढाबे वाली आंटी बता सकती है। उस ढाबे वाली आंटी से मिलना होगा। वे मुझे बताएंगे कि आखिर इन सब के पीछे आकर राज क्या है।